कराची में कौमी असेंबली के हलका एन ए 237 और एन ए 239 में अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 16 अक्टूबर को होने वाले जिले इंतखाबात एन ए 237 और एन ए 239 के हवाले से मुतालिका जिम्मेदारी के इलाके में हिफाजती इकदाम किए। कराची में कौमी असेंबली के हलका एन ए 237 और एन ए 239 में अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। तफसीलात देंगी अनुषा जाफरी, आपका बहुत शुक्रिया।